नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडेसी संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। आत्मगढ़वा के द्वारा डंडई प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में शुक्रवार को किसान गोष्ठी सह प्रक्षेत्र दिवस किया गया आयोजन। डंडई प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग आत्मगढ़वा के निर्देश पर शुक्रवार को किसान गोष्ठी सह प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में ब्लॉक प्रमुख कांति देवी, उप प्रमुख अंजलि देवी, बी सूत्री अध्यक्ष क्यामुद्दीन अंसारी, बी सूत्री उपाध्यक्ष भोला राम, सांसद प्रतिनिधि सह किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष उत्तीम देव प्रजापति तथा बीटीएम अजय कुमार साहू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रखंड भर से विभिन्न गांव से आए किसानों ने भाग लिया। सबसे पहले किसानों को मल्चिंग विधि द्वारा टमाटर की खेती करने का तौर तरीका बताया गया। वहीं किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती करने की अहम जानकारी दी गई। लोगों को मल्चिंग विधि द्वारा टमाटर और स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं रवि फसल में कीट व्याधि की समस्या के समाधान बताया गया। गोष्ठी के दौरान किसानों को बीज उपचार, मिट्टी जांच, ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से सब्जी की खेती करने के लिए तरीके बताए गए। इसके साथ ही झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत विशेष कैंप का भी आयोजन किया गया, जहां 31 मार्च 2020 से पूर्व ऋण लिए किसानों का EKYC का कार्य किया गया। साथ ही जिन किसानों का रेड खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें बैंक से संपर्क कर आधार लिंक का कार्य कराने का निर्देश दिया गया। मौके पर BTM अजय कुमार साहू ने कहा कि आत्मगढ़वा के निर्देश पर कृषक गोष्ठी सह क्षेत्र दिवस का आयोजन एवं ऋण माफी योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बी सूत्री सदस्य दीनानाथ पांडे, जफर इकबाल, जोतार पंचायत के BDC अखिलेश पासवान, प्रज्ञा केंद्र संचालक ओम प्रकाश कुमार, सरवन कुमार, चंद्रदेव कुमार, गौरी शंकर प्रजापति, कृषक मित्र कमलेश प्रजापति, आत्माराम सुदामा प्रजापति, शशि भूषण सिंह, विनय सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा एवं आत्मगढ़वा के माध्यम से कृषक गोष्ठी सह प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से किसान भाइयों को रबी फसल में जो होने वाली समस्याएं हैं, कीट व्याधि जो लगता है, उसके समाधान के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा टमाटर की खेती मल्चिंग पद्धति से जो किया जाता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करना है, हमारे एक प्रगतिशील कृषक किसान के द्वारा बताया गया। और मुख्य रूप से मृदा जांच, बीजोपचार और के बारे में बताया गया। साथ ही झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत विशेष कैंप का भी आयोजन किया गया है। उस कैंप में प्रखंड के वैसे कृषक जो 31 मार्च 2020 के पूर्व लोन लिए थे और उनका लेन देन जो है स्टैंडर्ड था, वैसे कृषक की सूची कृषि विभाग के द्वारा आई है, जो कि सभी प्रज्ञा केंद्र संचालक, कृषक मित्र और पंचायत प्रतिनिधि के पास उपलब्ध है। उन किसान भाइयों की EKYC की जा रही है। KYC के माध्यम से 50,000 रुपये तक के ऋण की माफी उन लोगों की माफ होगी। अभी तक पूरे कृषि विभाग के द्वारा 835 किसानों की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें से लगभग 55 से 56% किसानों का EKYC हो चुका है और बाकी जो बचे हैं उसके लिए प्रज्ञा केंद्र को ये नोटिस किया गया है कि आप जो है 21 जनवरी 2023 तक वैसे कृषक जो मृत हो गए हैं या वैसे कृषक जो कि बाहर कमाने के लिए गए हैं उन लोगों को, और साथ ही वैसे कृषक जो कि डबल राशन कार्ड एक है और दो लोग आवेदन दिए हैं, उन लोगों को चिन्हित करके सरकार को सूचित करना है ताकि उन लोगों को भी आने वाले समय में लाभ दिया जा सके। और साथ में 535 वैसे किसान हैं जिनका कि बैंक में आवश्यक कागजात नहीं होने के कारण सरकार के द्वारा सूची अभी तक उपलब्ध EKYC के लिए नहीं किया गया है। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि जो 535 कृषक जिनका कि आधार लिंक नहीं हुआ है, वो बैंक में जाएं और जा करके अपना आधार EKYC और लिंक कराएं, ताकि उनकी सूची कृषि विभाग के द्वारा अपलोड हो सके और तब उनका EKYC होगा और 50,000 रुपये तक की ऋण की माफी, ऋण की राशि माफ होगी। तो निश्चित रूप से वो भी किसान भी उसके पात्र होंगे, उन लोगों को भी करने की जरूरत है। क्या नाम होगा सर? जी नाम क्या होगा?
अजय कुमार साहू। पिछले 80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रेशर लेते आए हैं। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश। अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग, स्कूल की बगल में, गढ़वा।